नागरिकता संशोधन कानून और संभावित एनआरसी के विरोध में आरजेडी ने शनिवार को बिहार बंद बुलाया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस मुख्यालय ने भी अलर्ट जारी किया है। बंद के मद्देनजर राजधानी पटना में 2000 अतिरिक्त पुलिस बल के साथ 50 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं बंद को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर अल सुबह आरजेडी कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे। जहानाबाद में जहां ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया, वहीं पटना, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में मुख्य सड़क पर भी जाम लगा दिया गया। आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोर्ट स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर पटना से गया जाने वाली ट्रेन को रोक दिया। वहीं NH 83 पर कई गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी गई, जिससे वाहनों का परिचालन ठप हो गया और NH पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वहीं जिला कार्यालय से कार्यकर्ताओं का जत्था शहर में घूम घूम कर दुकानों को बंद कराने में निकल पड़ा है। बिहार के विभिन्न जिलों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NRC बिल और नए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान बंद समर्थकों ने सड़कों पर आगजनी और हंगामा भी किया। हालांकि बंद को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों पर नजर रख रही है।